चावल भारतीय भोजन का एक अहम हिस्सा है और इसे अनेक तरीकों से पकाया जाता है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का होमी लोपी पर। और आज हम अपनी किचन में बनाएंगे वेज मसाला पुलाव, वो भी लखनवी तरीके से, बिल्कुल दमदार, यानी कि दम देके। और इसमें डलेंगी खूब सारी सब्जियां, मसाले और चावल, जो कि इसका मेन हिस्सा है। सबसे पहले चावल को हमने 2 से 3 बार साफ पानी से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। मसाले हैं इसमें, वो 2 तरह के यूज़ होंगे। एक तो खड़े मसाले, जिसमें हमने लिया है तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कुछ काली मिर्च के दाने, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसके अलावा हमने लिए हैं ड्राई मसाले, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और इसके साथ ही हमने लिया है नमक। नमक हमें चावल के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि पुलाव की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लेना है। तो हम 1 गिलास चावल का पुलाव बनाने जा रहे हैं, तो हमने इसके लिए 1.5 टीस्पून नमक लिया है। इसके साथ ही हमने ली हैं खूब सारी वेजिस, स्लाइस्ड अनियन। यदि आप अनियन ना खाते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। गाजर चॉप की हुई, कॉलीफ्लावर फ्लोरेट्स में कटी हुई, आलू डाइस किया हुआ, कुछ फ्रेंच बीन्स चॉप की हुई और थोड़े से मटर के दाने। ये हमने फ्रेश मटर लिए हैं क्योंकि पुलाव में फ्रेश मटर का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसके अलावा पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ काजू, जिन्हें 1/2 में स्लिट कर लिया है, थोड़ा सा दही, और इसके अलावा हमें चाहिए हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट या ग्रेट किए हुए। पुलाव बनाने के लिए गैस पर रखेंगे कढ़ाई, जिसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। मेरी सलाह है कि पुलाव आप हमेशा देसी घी में बनाएं, क्योंकि ऑयल में इसका टेस्ट बढ़िया नहीं आता है। घी को अच्छे से गर्म करेंगे। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले, ताकि इसमें जो इनकी खुशबू है वो अच्छे से आ जाए। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जीरा, उसे अच्छे से क्रैकल होने देंगे। जीरा भी क्रैकल हो चुका है, अब इसमें डालेंगे स्लाइस अनियन और इन्हें लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हैं वो हल्के भून चुके हैं, अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा हरी मिर्ची का पेस्ट, और इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कटी हुई सब्जियां, और इन्हें भी मिक्स करते हुए भूनेंगे। मसाला पुलाव बनाने के लिए हम जो भी सब्जियां यूज़ करेंगे वो थोड़ी हार्ड वाली लेंगे, यानी कि जो पकने पर मैशी ना हो, अदरवाइज पुलाव की जगह खिचड़ी बन जाएगी। अब इसमें डाल देंगे कटे हुए काजू, और अब ढक्कन लगाकर सिम आंच पर इन्हें 2 से 4 मिनट तक पकने देंगे। जब तक सब्जियां पकती हैं, दही के अंदर सारे ड्राई मसालों को डालकर मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही डालने से पहले उसे फेंटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दही फट जाएगा।
सारे मसालों को हमने मिक्स कर दिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और अब इस मिक्सचर को डाल देंगे सब्जियों के मिक्सचर में। सब्जियों के अंदर दही के मिक्सचर को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 2-4 मिनट तक ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकने देंगे। लगभग 4 मिनट हो चुके हैं और देखिए सब्जियों ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। अब इसके अंदर मिक्स करेंगे भीगे हुए चावल जिन्हें पानी निथार कर अलग कर लिया है और हल्के हाथों से इसमें मिक्स कर देंगे ताकि जो चावल हैं वो टूटे नहीं। चावलों को अच्छे से सब्जियों में मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे पानी। इसमें हम जितने चावल लिए हैं उससे दुगनी मात्रा में पानी डालेंगे। हमने यहाँ 1 गिलास चावल लिए थे तो इसमें हमने 2 गिलास पानी डाल दिया है और तेज़ आंच पर इसमें एक उबाल आने देंगे। पानी में बॉयल आ चुका है, इस स्टेज पर इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक इसी तरह तेज़ आंच पर पकाएंगे। 2 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाने के बाद अब इस पर ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम को बिल्कुल सिम करके पानी सूखने तक और चावलों के पकने तक पका लेंगे। पानी है वो अच्छे से सूख चुका है तो फ्लेम को ऑफ कर चावल को नीचे उतार लिया है, परंतु अब हम इसे ज़रा भी मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इससे जो चावल हैं वो टूट जाएंगे। इसलिए इन्हें ढक्कन लगाकर कम से कम 20 मिनट तक रेस्ट देंगे जिससे कि जो हमारा पुलाव है वो बहुत ही खिला खिला बनेगा। जब तक पुलाव में दम आता है यानी कि उसे रेस्ट देते हैं तब तक हम बना लेते हैं उसके साथ सर्व करने के लिए बढ़िया सा क्रंच वाला रायता। इसके लिए हमने ली है बीट किया हुआ दही जिसमें डालेंगे कटा हुआ कुकुम्बर, बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर, अच्छा सा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, मिक्स करेंगे और जैसे ही सर्विंग का टाइम आएगा इसमें डाल देंगे रोस्ट किया हुआ क्रस्ट पापड़, मिक्स करेंगे और हमारा क्रंची पापड़ रायता रेडी है। तो अब जल्दी से पुलाव को गर्मा गर्म सर्व करते हैं इस क्रंची से रायते के साथ। लगभग 20 मिनट तक रेस्ट देने के बाद पुलाव है वो रेडी है। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे नहीं तो जो बेस के चावल हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरकुक हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। लीजिए तैयार है बढ़िया सा मसाला पुलाव क्रंची पापड़ रायते के साथ। तो आप भी इसे बनाकर गर्मा गर्म पुलाव का मज़ा लीजिए और यदि रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और हाँ यदि चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।